तेरा बन जाए। बाबू आगे खोलो, रास्ता दो, रास्ता दो आगे। बाबू कुछ नहीं होगा तुमका। ए बाबू आगे खोलो, बाबू चंदू हटा साला सबको। बाबू ए आगे चलो, रास्ता दो। अब देखो नंदू भाई कृष्णा। ए बाबू तुमको कुछ नहीं होगा। मैडम जल्दी डॉक्टर साहब को बुला दो। बाबू ए बाबू कुछ नहीं होगा तुमका। क्या हुआ इनको? एक गोली लगी है और प्रतिका बच्चे, डॉक्टर साहब को बुला दो। ए बाबू बाबू कुछ नहीं होगा तुमका। अरे इनका तो बहुत खून बह चुका है। अरे गोपाल जी ने जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। बाबू ध्यान से जल्दी जल्दी। आप घबराइए नहीं, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, बस उनका इलाज शुरू हो जाएगा। डॉक्टर आ जाएंगे? मतलब डॉक्टर यहाँ नहीं है क्या? वो लंच के लिए कैंटीन में गए हैं, अभी आते ही होंगे। हट साला। अरे सर कौन है आप? कर्पूर गौरवम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदया रविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। सासु अम्मा आज हमको ना बूंदिया खाने का ना बहुत मन कर रहा है। पता है कौन सी वाली बूंदिया? तब बनती है जब कोनो बूढ़ा आदमी मर जाता है ना, तो उनके देहरी पे जो बूंदिया बनती है ना उन बहुत ही ज्यादा मस्त होती है। उनको खाके ना एकदम शांति सी मिलती है, चाहे वो मरे वाले के आत्मा को शांति मिले ना मिले। बाकी ये मोहल्ले में का कोनो मरता ही नहीं है का? यहाँ कोनो बूढ़ा नहीं है का कि उमरे और हमको ना बूंदिया खाने को मिले? अरे कोनो मर जाएगा ना एकदम मस्त वाली बूंदिया खाने को मिलेगी। ए कोमल तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे बूंदिया पूरी खाने के लिए किसी को जान से मार डालेगी क्या? प्रोफेसर साहब, आदर्श भैया कहाँ हैं आप लोग? कौन आया है? तुम यहां? क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है प्रोफेसर साहब, अब जरा हमारे साथ अस्पताल चलिए ना जल्दी। अरे बेटा अस्पताल किस लिए? क्या बात है, क्या बात है हमें भी बताओ। कृष्णा तो ठीक है ना? नहीं प्रोफेसर साहब, ये पूछताछ अस्पताल जाके कर लीजिएगा ना, अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का। अरे अगर ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं तो तुमको बताने में कौनो कष्ट है का? अरे बता दे काहे नहीं हो? कहीं बाऊजी को तो कुछ नहीं हुआ? अरे कोमल दीदी दोनों ठीक है। भैया आप लोग हमसे ज्यादा सवाल मत पूछिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। अब तुरंत हमारे साथ अस्पताल चलिए। हम चलते हैं तुम्हारे साथ, पहले ये बताओ कि प्रतिज्ञा ठीक है ना? अरे भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाभी भाभी को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना, सब ठीक हो जाएगा। भैया भैया चिंता मत कीजिए भैया। डॉक्टर साहब हमारी बीवी प्रतिज्ञा वो कैसी है? देखिए
अभी हम कुछ नहीं कह सकते। खून बहुत बह चुका है, गोली अभी भी उनकी हड्डी में फंसी हुई है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालत बहुत क्रिटिकल है। ये समझिए कि अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने सीनियर डॉक्टर को बुलवाया है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर का इंतजार क्या कर रहे हो यार? तुम काहे नहीं इलाज करते अपनी प्रतिज्ञा का? तुम डॉक्टर नहीं हो का? अरे आप समझते क्यों नहीं है, बिना सीनियर डॉक्टर के ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब, करना पड़ेगा। बीबी प्रतिज्ञा का कुछ होने होना चाहिए। बता रहे हैं डॉक्टर साहब, हम कोनों को छोड़ेंगे नहीं, पूरे अस्पताल में आग लगा देंगे। हमारी हमारी बीबी को कुछ होने होना चाहिए। उका ठीक कर दो डॉक्टर साहब। ए कृष्णा बाबा, पूरी प्रतिज्ञा को बचा लो बाबूजी, और अपनी प्रतिज्ञा बाबूजी को बचा लो बाबूजी। तुमको ना, पर तुमको घबराने की कोनो जरूरत नहीं ना बेटा। तुम्हारी प्रतिज्ञा को कुछ नहीं होएगा। और तुम ना, तुम ऐसे रो मत बेटा, समझे? तुमको घबराने की कोनो जरूरत नहीं। तुम्हारे खातिर हम तुम्हारी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाए देंगे। लेकिन तुम शांत रहो बेटा। तुम तुमको ऐसे रोता नहीं देख सकते यार। तुम चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो, चुप रहो बच्चा। हमरे कारण वो बोल जी, जो उनकी है। शांत रहो। हम यार तुमको रोता हुआ नहीं देख सकते ना। प्रतिज्ञा बन जाए।